एक वो दौर था जब लड़कियों का शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाना शर्म की बात मानी जाती थी। लेकिन बदलते वक्त ने काफी सारी चीजों को बदल दिया है। अब लोगों की सोच भी पहले जैसी नहीं रही। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेगनेंसी का पता चलते ही उन्होंने जल्द ही शादी के बंधन में बंधने का फैसला भी लिया। और ऐसी अभिनेत्रियों में सबसे पहले नाम आता है बॉलीवुड की हवा हवाई अभिनेत्री श्रीदेवी का। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीदेवी एकमात्र ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने इस बात को खुलकर स्वीकार किया था कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। जी हाँ, खबरों की माने तो श्रीदेवी ने बोनी कपूर से जब शादी की तो वो 7 महीने से गर्भवती थी। बता दें कि ये दोनों साल 1996 में शादी के बंधन में बंधे थे। अब अगर बात की जाए अभिनेत्री महिमा चौधरी की, तो उन्होंने साल 2006 में अचानक ही बॉबी मुखर्जी के साथ शादी करने का फैसला लिया था। वहीं बाद में इस तरह की खबरें सामने आई कि महिमा ने अचानक शादी करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, और शादी के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। बता दें कि अमृता ने जाने माने बिजनेसमैन शकील से शादी का फैसला लिया था। वहीं उन्होंने अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद ये बताया था कि वो माँ बनने वाली है। बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा कोंकणा सेन शर्मा ने साल 2010 में एक निजी समारोह में अभिनेता रणवीर शौरी के साथ शादी की थी, और साल 2011 में कोंकणा ने एक बेटे को जन्म दिया। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें सामने आई कि कोंकणा ने शादी करने का फैसला इस वजह से लिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हालांकि कोंकणा ने इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री सेलिना जेटली ने शादी से पहले पीटर हाक को लंबे वक्त तक डेट किया। सेलिना को लेकर भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। बता दें कि उन्होंने साल 2012 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अब अंत में हम बात करेंगे अभिनेत्री रानी मुखर्जी की। बता दें कि रानी मुखर्जी ने लंबे वक्त तक जाने माने फिल्मकार आदित्य चोपड़ा को डेट किया। सुनने में तो ये भी आता है कि ये दोनों काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे, और इन दोनों की शादी ने भी लोगों को हैरान कर दिया था। और रानी मुखर्जी ने जिस तरह से अचानक शादी की उसे लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। बहरहाल अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देश और दुनिया की ताजातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।